आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, सवाल ये उठता है कि ये बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। आइए शुरू करते हैं समझौता एक्सप्रेस। कौकब, दोनों देशों के बीच मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन शुरुआत किस मुद्दे से हो? निहारिका, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, ज़ाहिर है, वो टेररिज्म का है, दहशतगर्दी का जो इशू है वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। फिर डाउन द रोड ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो कश्मीर का इशू है उसे किसी भी तरह से ओवरलुक नहीं करना चाहिए, उसे ओवरलुक होना नहीं चाहिए कि हम दूसरी चीज़ों में उलझे और कश्मीर का जो इशू है वो ओवरलुक हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि शुरुआत जो है, और जो यहाँ पे ज़्यादातर एनालिस्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि टेररिज्म से होगी, फिर आगे दूसरी चीज़ों में बातचीत हो सकती है। जी हाँ, और भारत के नज़रिए की बात करें तो टेररिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है भारत के एजेंडे पर, खासकर मुंबई हमलों के बाद। पाकिस्तान के साथ जो सहयोग भारत चाहता है वो आगे चलकर किस तरह का रुख या किस तरह का तस्वीर उसमें सामने निकलता है, इस पर बहुत निर्भर करेगा दोनों देशों की बातचीत किस तरह आगे बढ़ती है। और अगर टेररिज्म पर सहमति या किसी तरह का एक्शन कोऑपरेशन हो सकता है तो कश्मीर जैसे मुद्दे भी सुलझ सकते हैं। इसलिए हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। सुनिए कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में दक्षिण एशिया जानकार आशीष प्रसन्न क्या कहते हैं। इंडियन साइड ने बड़े क्लियरली कहा है कि जब तक मुंबई हमलों की तहकीकात खत्म नहीं होती है और पाकिस्तान इसमें इंडिया की मदद नहीं करता है, तब तक और कोई मुद्दा डिस्कस नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर भी कोई भी इंडियन गवर्नमेंट कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकती है बिना किसी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के, और ये लेजिटिमेसी तभी उन्हें मिलेगी जब वो कह सकेंगे कि पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। वाकई टेररिज्म इंडिया के एजेंडे पर है। मुंबई हमलों के सिलसिले में इंडिया ने 22 वारंट्स इशू भी किए हैं उन पाकिस्तानियों के लिए जो इंडिया समझता है मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। तो टेररिज्म पर एक तरह से एक्शन देखने की ज़रूरत है। कौकब, कितना इफेक्टिव हो सकता है ये कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है ये इशू ऐसा है कि जो कि आप ये समझ लें कि हमेशा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक के तौर पर मौजूद रहता है कोई भी, जब क्योंकि अब अगर आप लार्जर पिक्चर पर जाएं, यानी कि जो बड़े इश्यूज़ हैं, मसलन ये कि जैसे कश्मीर का इशू है या दोनों मुल्कों के बीच जैसे जो पानी के मसाइल हैं, तो इस किस्म की जब हम बातें करते हैं तो उनके लिए फिर इस किस्म का कोई इरिटेंट अगर आ जाए बीच में कि जी ये चीज़ नहीं हुई तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया सेम पेज पर आएँ, कोऑपरेशन हो, एक दूसरे की मजबूरियों को समझें। जिस तरह इंडिया ये कहता है कि उस पर पब्लिक प्रेशर है, इस तरह पाकिस्तान पर भी पब्लिक प्रेशर होता है, तो दोनों को सेम पेज पर आना होगा ताकि इन इश्यूज़ से आगे बढ़कर फिर बड़े इश्यूज़ पर बात की जाए। और ये बड़े इश्यूज़ के लिए क्या दोनों मुल्क तैयार हैं, खासकर पाकिस्तान जिसे इस वक्त इंटरनली तालिबान के ख़तरे का सामना है और पाकिस्तान उनसे उस ख़तरे से निमटने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहा है, यही जानने की हमने कोशिश की। पाकिस्तानी और साउथ एशिया के उमूर की माहिर, खासकर टेररिज्म पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, फरहाना अली से। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी मुश्किलात है, इतनी वो प्रॉब्लम्स है, अपनी दहशतगर्द इतनी फैल गई कि वे पाकिस्तान क्या कर सकता है कश्मीर के लिए। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये शायद इस साल में वो नेगोशिएशन नहीं हो सकती, और जब तक ये पाकिस्तान की अपनी इकानमी, अपनी गवर्नमेंट, अपनी ये जो पुलिस रिफॉर्म, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, अभी वो सॉल्व हो जाए, पाकिस्तान मजबूत हो जाए, फिर शायद इंशाल्लाह ये नेगोशिएशन फिर दोबारा शुरू हो सकती हैं। पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम है, इसलिए तो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार तालिबान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें कौकब, इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान सरकार जितना तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करती है उसी तरह उन टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो इंडिया को टारगेट करते हैं, जैसे कि लश्कर। तो इस तरह से अगर कोऑपरेशन मिल सकती है तो माना यही जाता है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, कि कश्मीर जैसा मुद्दा भी एक दिन शायद सुलझा पाए। निहारिका, बिल्कुल, और जो हमारी जिन एक्सपर्ट से बात होती है उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसे लश्कर जैसे ग्रुप्स हैं वो आपको पता है पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाइयाँ करिए, कार्रवाई की इंटेंसिटी क्या होगी, कितने बड़े लेवल पर किस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होगी, यही इशूज़ हैं जिन पर दोनों मुल्कों को लगता है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी समझता है कि वो ये खुद डिटरमिन करेगा कि किस
ग्रुप के खिलाफ किस लेवल की कार्रवाई करनी है, और इसमें अमेरिका का रोल ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए अपना रोल प्ले कर सके। जी, और ओबामा प्रशासन ने ये जोर दिया है कि वो डायलॉग के फेवर में है, लेकिन वो इम्पोज नहीं करना चाहते। दोनों देशों को मिलकर कोऑपरेशन का जो रोड मैप है वो खुद तय करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका साथ देने को बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ समझौता एक्सप्रेस की आज की कड़ी यहीं पर खत्म होती है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।